हेलो फ्रेंड्स, TLET एंड DPSC के एडमिशन के लिए जो एंट्रेंस एग्ज़ाम का आपका सिलेबस है उसके बारे में हम इसमें डिटेल सिलेबस देखेंगे कि कैसे आपका एग्ज़ाम पेपर पैटर्न बनेगा, कितने मार्क्स का आपका एग्ज़ाम आएगा और कैसे कैसे आपको क्वेश्चन देखने को इसमें मिलेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो की, इसमें क्या क्या इन्होंने पूछा गया है और 150 क्वेश्चन कैसे फ्रेम करे हैं इन्होंने। सबसे पहले एंट्रेंस एग्ज़ाम में देखेंगे, जो आपको अगर सिलेबस डाउनलोड करना है तो आप SCERT दिल्ली एडमिशन DIT.NIC.IN की वेबसाइट से आप डाउनलोड कर सकते हो। जैसा कि सिलेबस में आपको बताया गया है जो आपके मेन 3-4-5 मेन सब्जेक्ट होते हैं उनके बारे में, जैसे जनरल अवेयरनेस, करंट अफेयर जो आपके 6 से 10 महीने की आती है वो 10 मार्क्स की है। फिर सेकेंड आपका आता है इसमें सोशल साइंस। सोशल साइंस के बारे में आपको देखो इन्होंने अलग अलग डिवाइड करके बता रखा है, जैसे कि सोशल साइंस में 4 सब्जेक्ट हमें देखने को मिलते हैं, आपका हिस्ट्री हो गया, पोल साइंस, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, से सारे 10-10 मार्क्स का आएंगे जो आपके पहले के जो पास्ट के उसके बारे में देखा जाएगा। जनरल साइंस में आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, बेसिक कंप्यूटर आपको जानकारी योजना, ये भी 40 मार्क्स का है। फिर इसके बाद आपका जो मैथमेटिक्स है वो 10 मार्क्स का है। फिर जनरल मेंटल एबिलिटी जिसमें आपको रीजनिंग देखने को मिलेगी 30 मार्क्स का, और इंग्लिश हिंदी जो आप में ग्रामर देखने को मिलता है वो 10 मार्क्स के हैं, 20 मार्क्स। टोटल आपका जो पेपर रहेगा 150 मार्क्स का रहेगा, 150 क्वेश्चन होंगे, 150 मिनट आपको पर मिनट मिलेगा पर क्वेश्चन के लिए। लेवल ऑफ टेस्ट आपका 10th के लेवल तक आपसे मैथ के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। डिटेल सिलेबस है डाउनलोड कैन बी साइट, जब मैं आपको डिटेल सिलेबस के बारे में बात करता हूँ कि क्या क्या इसमें रहेगा। जैसे कि डिटेल सिलेबस में जनरल नॉलेज में करंट अफेयर में इसमें आपको पूछा जाएगा कि नॉलेज ऑफ इंपॉर्टेंट इवेंट्स, जो नए नए इवेंट्स होते हैं उसके बारे में, पर्सनैलिटी ऑफ बूथ, इंडियन एंड इंटरनेशनल, कल्चर, एक्टिविटी, स्पोर्ट्स, सारे जितने भी चीज़ प्राइज डिस्ट्रीब्यूट जो भी हुआ है उनके बारे में। सेकंड आपका सोशल साइंस में जो भी आपका शेपिंग है, कृषि है, फ्रीडम है, मूवमेंट्स है, फंडामेंटल राइट्स है, जितने संविधान के बारे में, कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में, सोशलिज्म, बुद्धम, सर्वोदय, ये सब चीज़ें के बारे में आपका पोल साइंस में पार्लियामेंट, इंडिया, ऑर्गेनाइजेशन। फिर ये कुछ है आपका स्टेट राइट्स, ड्यूटी, कर्तव्य, स्टेट एंड यूनियन टेरिटरीज है, फेडरलिज्म है, पावर शेयरिंग, डेमोक्रेसी एंड डाइवर्सिटी, ये आपका पोल साइंस में। ऐसी ज्योग्राफी में अर्थ के बारे में, सोइल, मिट्टी के बारे में, टाइप्स ऑफ क्लाइमेट, मानसून, मेजर रिलेशन, मूवमेंट अर्थ एंड देयर, रीजनल क्लाइमेट, इम्पोर्टेंट सी पोर्ट्स एंड मेन सी, मेन आइटम फॉर इम्पोर्ट एक्सपोर्ट ऑफ इंडिया। इस तरीके से इकोनॉमिक में आपका GDP हो गया, GNP, इस तरीके से सेक्टर, इंडियन बजट कैसे कैसे आते हैं, कितना बजट आता है इंडियन का। फिर जनरल साइंस में आपका फिजिक्स हो गया 10 मार्क्स का, ये सारे इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ह्यूमन मोशन, ऑब्जेक्ट, फिजिक्स प्रॉपर्टीज। फिर आपका इसमें सारे होंगे कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, जो 10 नंबर का कंप्यूटर साइंस BS के अंदर। फिर आपके मैथ के आ गए न्यूमेरिकल एबिलिटी में, जैसे सिंप्लीफिकेशन, नंबर एंड सिस्टम, LCM, SCF, परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, रेशो, डिस्काउंट, ये सारे जो मेन आपके मैथ के टॉपिक होते हैं वो पूछे जाएंगे। जनरल मेंटल एबिलिटी में जो आपका एप्टीट्यूड एंड एप्टीट्यूड रिकॉर्डिंग हो गया, इंडियन एजुकेशन एजेंसी, रिस्पॉन्सिबिलिटी टूवर्ड सोसाइटी, ये जो आपके हैं मेन इसके बारे में पूछा जा सकता है। इंग्लिश हिंदी में जो आपका हो गया ग्रामर, एरर्स हो गया, सेंटेंस अरेंजमेंट हो गया, वोकैबुलरी जो मेन होती है ये पूछी जाती है। तो इसमें से बहुत सारे टॉपिक है, केमिस्ट्री आपका जो है, बायोलॉजी जो साइंस के थे, बेसिक कंप्यूटर के बारे में। तो इस तरीके से आपका 150 क्वेश्चन है, इसको आपको अच्छे से करना है सिलेबस के अकॉर्डिंग और पेपर दे के आना है। जिस तरीके से आपकी रैंक लिस्ट आएगी 1, 2, 3, अगर इनमें आपका नाम हुआ तो आपका एडमिशन हो जाएगा दिल्ली DIT में।